हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत कटारिया। यह है मेरी टाटा ऑल्टोस एग्जिट। जैसे कि आपको पता ही कि मैं इस पर जो है बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, तो आज जो है मैं इसकी सर्विस कराने जा रहा हूँ। सेकंड सर्विस करानी है, जो कि 7,500 रुपये होती है। पर जो है मेरी गाड़ी 7,500 नहीं चली है, मेरी गाड़ी जो है अभी आपका 3651 तो 3650 किलोमीटर चल चुकी है। अब आपको पता है कि मैं कम इसलिए ही चली है कि ये गाड़ी मैं टियागो पर ज़्यादा जो है वीडियोस बना रहा था, तो टियागो ही ज़्यादा चला रहा था क्योंकि उस पर मॉडिफिकेशन सीरीज़ चल रही है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, तो आप वो देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं बात करता हूँ इस पर कि भाई मैं इसकी जो सर्विस कराने जा रहा हूँ, सेकेंड सर्विस होनी है। और गाड़ी में अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो एज सच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, एवरेज भी गाड़ी जो है ठीक ठाक दे रही है, मतलब जो निकालना चाहिए। ट्रिप भी मैं आपका जो 15 निकाल दी है, और जो है ट्रिप ए में आपका जो है 20 निकाल दी है, तो एवरेज भी मेरे को जो है ठीक ठाक ही गाड़ी निकाल रही है। सेकंड इसमें एक जो है छोटी सी मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, वो चीज़ आप भी बताना कि भाई गाड़ी में जो है लॉक का इशू आ रहा है कि जब मैं इसको जो है रिक्वेस्ट बटन से ऑन कर रहा हूँ ना गाड़ी को, तो गाड़ी अनलॉक नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम अगर आप भी फेस कर रहे हो तो ये मेरे को बताना है कि भाई ये चीज़ आपको दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी और कोई ऐसा सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, गाड़ी जो है बिल्कुल सही चल रही है, तो ऐसा कुछ है नहीं। फर्स्ट सर्विस की जो वीडियो मैंने बना रखी है तो ऊपर जो वो भी आपके आ रही होगी आई बटन में, तो वो आप भी देख सकते हैं। कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है, और इसकी भी जो है मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से जो है सेकेंड सर्विस होती है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है। वैसे जनरल चेकअप है, सच कुछ होता नहीं है इसके अंदर, पर जो है मैं आपको दिखा दूंगा, कोशिश करूंगा दिखाने की, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि भाई बनाने में इशू ये आ जाता है, वहाँ पर जो है ना भजन चलते हैं। अब आपको पता है कि यूट्यूब पर ना कॉपीराइट आ जाता है। अब कॉपीराइट का मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई कॉपीराइट आ गया और जो है वीडियो जो है डाउन हो जाती है। तो इस वजह से जो है जो जो मेन पॉइंट्स रहेंगे मैं आपको जो पूरा पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा, जो भी आपका रहेगा जैसी भी मेरे को सर्विस मिलेगी। बाकी और चीज़ों के मेरे को अभी ध्यान नहीं, यही दो मेरे को प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा फेस हो रहा था, बाकी और कुछ है नहीं। अगर ध्यान आएगा तो मैं आपको जो वहीं के वहीं बता दूंगा। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको सर्विस सेंटर पे। तो फाइनली जो मैं सर्विस सेंटर आ गया हूँ। अब यहाँ तो इतनी ज़्यादा जो भीड़ है नहीं, तो शायद जल्दी काम हो जाएगा। पर आपको जो एक चीज़ बतानी है, अभी जस्ट मैं मतलब एंट्री कर रहा था तो मेरी गाड़ी के आगे ना सांप आ गया था, मतलब मैंने बस गाड़ी चढ़ने वाली थी वो रोक दिया। तो कभी जब आप ऐसे जाया करें तो सामने देख लीजिए कि भाई कुछ कोई छोटा जानवर या कुछ सांप वाप ना हो उस रास्ते पे, मतलब ये चीज़ का ध्यान रखें कि अभी मेरे से चढ़ जाती तो थोड़ा सा गलत हो जाता। खैर ये बात अलग थी। अब जो है मैं जॉब कार्ड इसे खुलवाता हूँ, क्या रहता है क्या नहीं, सब कुछ जो है मैं आपको बताऊँगा। बाकी जो मैं ऑल्टोस के स्पार्क प्लग पर एक वीडियो बनाई है, डिटेल वीडियो बनाई है, वो आप जो ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया वीडियो है, तो काफ़ी मेहनत भी लगी है उसमें, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे की अपडेट में आपको जो है बताता हूँ। आते ही जो मेरी गाड़ी वॉशिंग पे लगा दी, मतलब कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, सीधा मेरी गाड़ी को जो वॉशिंग पे लगा दिया, तो ऐसा जो है जल्दी आ ही जाएगा नंबर। दूसरी बात ये, सारी प्रॉब्लम मैंने लिखवा दी है इसके अंदर कि भाई क्या क्या मेरे को जो है प्रॉब्लम आ रही है, जो कि ये है सब कुछ है। इनकी जो है राइटिंग आप देख लो, अगर आपको समझ में आ जाए तो देख लेना। गाड़ी के अंदर जो है लॉक की जो है प्रॉब्लम आ रही है, जो कि ये है, तो ये गाड़ी जो है अनलॉक नहीं होती। ये देखिए चाबी हाथ में, अभी क्या इशू है मेरे को पता नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ या गाड़ी अनलॉक नहीं हो रही मेरे को पता नहीं चल रहा। तो ये चीज़ भी मैंने लिखवा दी है, कह रहे कि हाँ इशू तो है इसके अंदर। ये पहले दिन से इशू है इस गाड़ी के अंदर कि भाई ये अनलॉक नहीं होती, सीधा ये अनलॉक होती है चाबी से। अभी देखिए मैं चाबी अनलॉक करूँगा गाड़ी, देखिए अनलॉक हो गई, ये भी लॉक हो गई। तो ये है, बाकी एवरेज गाड़ी सही दे रही है, सब कुछ दे रही है, बाकी और चीज़ मेरे को करानी नहीं है, छोटी मोटी जो है चीज़ें होंगी। तो चलिए आगे की अपडेट मैं आपको बता दूँगी क्या रहता है। गाड़ी को वॉश वॉश हो जाती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ जो है गाड़ी वॉश होने स्टार्ट हो गई है, इंजन पर जो है डीजल वीजल जो है मार के साफ कर दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और जो है ये बाकी वो भी कर देना इसके आगे से JDD का जो है ये चीज़ आप करवा लिया करो अपनी सर्विस पे ना, कि ये साफ़ करा लो। इससे क्या है कि आप एक बार होता है ना लॉन्ग ट्रिप पे जो है गाड़ी का एसी ट्रिप मार देता है, तो इस वजह से होता है कि ये गंदा होता है और जो अच्छी तरीके से जो इंजन कूल नहीं हो पाता है। तो यहाँ हो रही है,
चलिए आप पूरी तरीके से जब ये वॉश हो जाती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वॉश हो के आ गई है, यहाँ जो है इसका चेकअप हो रहा है, जनरल चेकअप ही तो होएगा इसका। तो बैटरी का पानी हो गया चेक, कितना था मतलब पूरा था सही। और क्या हो रहा है, वाइपर का पानी पूरा, ये भी हो गया। एसी फिल्टर आप अभी करोगे, लाइट सारी चेक हो गई, बाकी ये ऑयल अच्छा, इंजन ऑयल का पार्ट वो अलग रहेगा, वो जो वहाँ के लिए जाएगी। फिलहाल जो है ये बार बार के जो काम होते हैं ना कि भाई ये पानी वानी चेक करना, ये सब जो है ये कर दिया है, सारा ये हो रहा है। अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-2.5 घंटे ही हुए आए हुए, और जो है तरीके से हो रहा है अच्छे तरीके से। मतलब एक गाड़ी पे जो है 3-3 जने लग रहे हैं, आप देख रहे हैं, 1-2 और तीसरा भाई अभी यहीं था, वो ये रहा भाई अभी लग रहा था उस गाड़ी पे। ये अच्छी तरीके से जो देखिए यहाँ भी जो है देख रहे हैं कि भाई कोई लूजिंग वूजिंग तो नहीं है, मतलब सारे जो क्वालिटी चेक्स होते हैं ना वो सब ये देखे जा रहे हैं यहाँ। तो एसी फिल्टर भी इसका निकाल रहे हैं आपके लिए, जो यहाँ पे भजन बंद करवाए हैं क्योंकि यहाँ पे जो भजन चलते रहते हैं। तो इतनी जो मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लेना। क्योंकि मैं ऑल्टोस पे तो बहुत सारी वीडियो लाता हूँ कि भाई परफॉर्मेंस पे क्या है क्या नहीं, टियागो की आपको पता ही है कि वीडियो चल ही रही है मॉडिफिकेशन की, ओनली वन इन इंडिया वो है गाड़ी, और टिगोर का जो है सर्विस की वीडियो आएगी, और उसका जो पार्ट ख़राब है उसका भी आएगा। इतनी सारी जो चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ तो यार आपका जो सपोर्ट नहीं मिल रहा, मतलब सच कह रहा हूँ अब मोटिवेशन टूट रही है। तो थोड़ा सा मोटिवेट करो यार, मतलब चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाओ, बहुत जब तक आप ग्रो नहीं कराओगे ना जब तक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आ नहीं पाएंगे। वजह यही है कि भाई मेरा भी खुद का मन नहीं करता वीडियो बनाने का, फिर तो ये रिक्वेस्ट है चैनल पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, बाकी मेरे पे छोड़ो, आप जो मर्जी चाहे वो वीडियो बनवाओ। फिर ये सब हो रहा है, बाकी जो भी अभी कमी वमी है ये लॉक वाली मैं आपको बता ही दूंगा अच्छी तरीके से। जो गाड़ी हो रही है, ये वीडियो का पर्पस यही है बताने का कि भाई इस तरीके से जो है सेकंड सर्विस होती है, और आप देख लो कि भाई आपकी गाड़ी में जो है ये सब जो है चेक होने चाहिए, कि भाई इन्होंने जो है वॉशर डाल, बैटरी चेक कर ली, वॉशर चेक, बैटरी जो है बार बार कंपनी छोड़ देती है, बाद में पता चलता है कि बैटरी के अंदर जो है पानी कम हो गया, तो इस वजह से जो है बैटरी भी चेक होगी। ये एसी फिल्टर जो है इसका ये रहा, जो कि साफ़ ही है इसके, तो शायद ये एसी फिल्टर इसके देखो साफ से ही निकले हैं, ऐसा कुछ इसके अंदर गंदा निकला नहीं है, क्योंकि गाड़ी कम चली है मेरी तो इस वजह से जो साफ से ही निकले हैं। बाकी जो आपके पास अपने घर पर भी गाड़ी हो तो आप घर पर भी जो साफ़ कर सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है, धूल मिट्टी के ज़्यादा इलाके में चलती है, मेरी गाड़ी हाईवे पर चलती है इसलिए जो है ज़्यादा ये गंदे होते भी नहीं। खैर याद आ गया मुझे टियागो के भी साफ़ करने थे, तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि आगे जो है इसके अंदर क्या क्या होता है। फिलहाल अपडेट यही है इसका, जो है बैटरी चेक कर ली है, और ये सब ये फ्लूड तो अभी चेक होएगा, यहाँ पे जो है वॉशिंग का ये सब चेक हो गया है, और एसी फिल्टर साफ हो गया, सारी लाइटें वाइटें चेक कर ली हैं, सब दरवाजे चेक कर लिए हैं कि भाई दरवाजे में कोई इशू तो नहीं है। अब जाके जो है ये मैकेनिकल वर्क के लिए जाएगी, कि इसके अंदर कुछ भी मैकेनिकल कुछ भी निकलता है वो सब जो है चेक होगा इस गाड़ी के अंदर। मैकेनिकल वर्क के लिए गाड़ी आ गई है, अब जो इसका फिल्टर साफ होएगा भाई जो है कर रहे हैं। भाई नाम क्या है आपका? शाकिब भाई कर रहे हैं। तो भाई सब कुछ चेक होगा अब इसका जी। क्या क्या ए सी फिल्टर तो हो गया इसका, तो ये इसका जो है ये निकला है साफ ही है, मतलब इतना ज़्यादा कोई गंदा नहीं है। एयर फिल्टर हवा मार के जो ये कर देंगे तो ऐसा कुछ इतना गंदा है नहीं। बाकी जो ये हो ही रहा है, स्पार्क प्लग मैं जो है साफ़ करवा दूंगा इसके, बाकी जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा है, आप ये देख रहे हैं ये हल्का सा यहाँ लीक हो रहा है, तो इसको जो है हल्का टाइट करा देंगे, बाकी और कुछ तो यहाँ पे है नहीं, कोई लीकेज तो है नहीं, जैसे कि आप ये देख लो ऐसा कुछ है नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार गले में मेरी प्रॉब्लम हो रही है, दवाई ले रहे हैं, बार बार मेडिसिन भी ले रहा हूँ, फिर से बार बार जो गला ऐसी चोक हो रहा है मेरा। थोड़ी सी आपको अगर आवाज़ लगे तो उसका माइंड मत करिएगा। जो ऐसा कूलेंट चेक हो रहा है, कूलेंट जो है कम है या नहीं,
ठीक है, कूलेंट कूलेंट का लेवल भी ठीक है। ऑयल चेक कर दिया भाई? जो ऑयल लेवल है वो चेक हो गया, बाकी ये सब जो है भाई ने चेक कर ही दिया है। ये जो है थोड़ा सा ढीला, ये टाइट हो गया देख लो यार, क्योंकि ये मेरे को लग रहा था, ये देखो ना निशान। ये सब जो है चेक हो गए हैं, आपका ब्रेक ऑयल भी चेक हो गया है कि वो जो है पूरा है ही, क्योंकि ये है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, पूरा है देखो ऊपर आ गया। ये जो है मैं बोल्ट चेंज करवा रहा हूँ, नहीं ये चेंज ही कराने, चेंज कर दूँ। और स्पार्क प्लग तो साफ़ होना ही है, तो यहाँ जो है मैं इसका स्पार्क प्लग भी जो है साफ़ करवा रहा हूँ, ऐसे ही करवा रहा हूँ, जब आया तो करवा ही लेता हूँ, ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं पर फिर भी जो है मैं करवा ही रहा हूँ। तो स्पार्क प्लग जो है इसके निकल गए हैं, और जो है ये रखे, ये वही वाले मैंने दोबारा से डाल दिए जो थे, NGK वाले तो इसमें काम कर ही नहीं थे, उसके ऊपर जो वीडियो बना रखी है आप ऊपर देख सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं यही जो है ऐसी साफ़ करवा रहा हूँ, कोई ज़रूरत तो थी नहीं, साफ़ करवा दिए हैं ये आप देख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप अपनी गाड़ी में साफ़ करवाना चाहो तो करवा सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरत तो थी नहीं, मैंने फिर भी जो है करा दिया, ऐसे कॉम्प्लीमेंट में करा दिया। और ये जो है बोल्ट मेरा जो स्लिप हो गया था एक, मतलब पुराने वाले बोल्ट हल्के से स्लिप कर रहे थे, तो मैंने ये बोल्ट भी जो है चेंज करा दिया। वो बार बार खोलने से जो है बोल्ट स्लिप हो गए थे, जब मैं पहले स्पार्क प्लग चेंज करने के लिए कर रहा था तो बोल्ट यहाँ से वो स्लिप हो गया था। ब्रेक ऑयल चेक हो गया, कूलेंट चेक हो गया, एयर फिल्टर हो गया है आपका, ये जो है पानी डल के इसके अंदर वॉशर के अंदर, एसी फिल्टर चेक हो गया जनरल चेकअप में, बाकी वो भी टाइट कर दिया भाई ने, जो इसका जो ऑयल फिल्टर जो है ढीला था हल्का सा वो भी हो गया। बस जो है कमी बची है कि वो लॉक वाली कमी बची है कि भाई लॉक में परेशानी आ रही है गाड़ी के, बाकी ऐसा जो है इंजन में मेरी कुछ प्रॉब्लम थी भी नहीं, और फालतू में जो है मैं गाड़ी छिड़वा भी नहीं रहा। गर्मी बहुत है यहाँ पे, देख रहे हैं ऊपर पंखा तक नहीं चल रहा है, यहाँ हद से ज़्यादा गर्मी है यहाँ। बाकी जो अब सारे बोल्ट टाइट हो रहे हैं इसके, मतलब चेक कर रहे हैं कि कोई भी जो है बोल्ट ढीला ना हो, यहाँ के सब जो है कर लिए ये सब जो है बोल्ट है कि भाई कोई भी बोल्ट ढीला ना हो, ये भी सब जो है इन्होंने चेक कर रहे हैं अभी। आपको जो मैं मेन चीज़ें दिखा रहा हूँ, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें तो यार फिर पता है कि आपको वीडियो में कट ज़्यादा हो जाएंगे, इस वजह से मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहा हूँ। बाकी सर सारे काम हो गए हैं? हाँ चल रहा है, चल रहा है, फेंडर लॉकिंग। और क्या क्या मतलब ये ऑयल फिल्टर इस एडजस्टमेंट बोल्ट टाइट होगा? अच्छा एडजस्टमेंट बोल्ट टाइट होगा, और तेल पानी तो हो ही गया इसमें, ऑयल वॉयल सब चेक हो गया है। जब भी यहाँ आप श्रीवासु पे आना सर को पकड़ ले करो, सर सारे काम करा देंगे। मैं भी अभी इन्हें पकड़ के लेके आया, इन्होंने थेड़ सारे काम कर दिए, वरना कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, इनको लेके आया इन्होंने दो मिनट में जो है सब करा दिया। अब सर जब तक यहीं रहना, जब तक इसकी सारी कमी पूरी नहीं होती। ये जो है थोड़े थोड़े से ढीले थे इसके, ये चीज आप जो देख रहे हैं। ये कर रहे हैं सर जी, फिल्टर बाहर लग गया, ढीला था लग गया, कूलेंट बंद करो फटाफट, कूलेंट चेक कर लिया जी, कूलेंट भी हो गया, भी हो गया। बाकी ये रही गाड़ी जो है अनलॉक नहीं हो रही है अभी, अंदर शायद चाबी रह गई इसकी, गाड़ी बजे जा रही है अपनी अभी, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी रात को भी बजने लगती है गाड़ी। वो फेंडर लॉकिंग सेंटर लॉकिंग में ये गाड़ी अनलॉक नहीं होती, मैं आपको बताऊं, देखो गाड़ी लॉक कर दो, लॉक की यहाँ से खोलो, कभी 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 काम करता है कभी करता ही नहीं है, पाँच सात बार चेक कर लेते हैं, अब कर रहा है देखो, उनको देखो अब कर रहा है आपके सामने,
लॉक करना, मतलब ये है कि डॉक्टर के आते ही जो है अपने आप ठीक हो गई। अरे भी ना बाहर भी देखी, ये लॉक ही नहीं हो रही थी, अनलॉक ही नहीं होती गाड़ी। ये सही है यार, ओके। ये क्या नई चीज़ आई है इस गाड़ी के अंदर, अभी अनलॉक हो रही है, मतलब अब ये देखो। और पर एक और नया इशू आ गया, ये देखो गाड़ी अब अनलॉक हो रही है। ये देखो अब इसके ORVM भी खुल गए, अभी इसके ORVM भी नहीं खुल रहे थे, अभी इससे जो है हो रही है। पहले आपने देखा था वीडियो के अंदर कि ये रिक्वेस्ट बटन से जो है ऑन नहीं हो रही थी, अब जो है ये ऑन हो रही है। देखते हैं, मैं इसका जो सॉफ्टवेयर दिखवा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर से जो है ये हो जाती नहीं हो जाती, क्योंकि दिक्कत तो कर रही है, कभी वर्क कर रहा है कभी नहीं कर रहा। अब ये बिल्कुल सही वर्क कर रही है मेरी, ये देखिए आप। बाकी इसकी स्मार्ट वेरिएबल की आती है, वो मेरे पास रखी है दोस्त पे है, उससे भी जो मैं चेक करता हूँ कि भाई इससे जो है ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है। चलिए आगे बताता हूँ अपडेट, फ़िलहाल तो यही है कि भाई डॉक्टर के पास आके जो है ये ठीक हो गई, मतलब देख हो गई। डॉक्टर के पास आके ना ये चीज़ अपने आप ही ठीक हो गई भाई, मरीज अपने पास ठीक हो गया भाई। सुबह दिक्कत आ रही नहीं आ रही थी इसमें भाई, 6 महीने से परेशान थे हैं। कम से कम 10 बार चेक कर चुके थे और यहाँ के इंजीनियर भी चेक कर चुके थे, तब भी ये ओपन नहीं हो रही थी, अब हो रही है। बाकी इस वाली की से और देखते हैं, एक काम कर, ये वाली जो है कि इसको ले जा कहीं, मतलब क्या पता इस वाली की से हो रहा हो, इस वाली की को लेके जा, मैं देखता हूँ कि भाई इससे होती नहीं होती। ये भी तो देखें, बाहर ले जा कि इसकी रेंज से ले जा। अब ये वाली है भाई, देखते हैं कंपनी ने ये वाली की भी तो दी है भाई, इसके भी तो पैसे दिए हमने। अब फिर इसके अनलॉक नहीं हो रहे, शायद क्या पता वो प्रोग्रामिंग में हो। और अब होने लगी, सुबह आपने देखा था जब मैंने वीडियो बनाई थी कि ये गाड़ी क्या हरकतें कर रही थी, और अब जो है देख लो आप, ये वाली की है, अब ये अनलॉक हो रही है ये री। मतलब मन मर्जी की हो रही है कि भाई कभी अनलॉक होंगी कभी अनलॉक नहीं होंगी। बाकी मैं एक बार जो है अपडेट भी देख लूँगा कि कोई अपडेट आया है नहीं आया, फिलहाल तो ये है कि अभी ठीक चल रही है, वो भी कह रहे हैं अब ठीक चल रही है, तो इसमें क्या ठीक करें। यहाँ जो अपडेशन चेक हो रही है गाड़ी की, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं वो तो वो चेक हो रहा है कि भाई गाड़ी का जो है पूरा अपडेशन करके देखेंगे। स्टीरियो का भी मैं एक बार दिखा दूंगा कि स्टीरियो का कोई है या नहीं, मतलब सारे काम जो है मैं दिखवा के जब जाऊँगा तसल्लीपूर्वक। बाकी ये खुद से भी जो है चेक कर ही रहे हैं सर, चेक पूरा। तो सर ने जो है सॉफ्टवेयर चेक कर लिया गाड़ी का, कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं निकला, कोई अपडेट ही निकला ना सर नहीं। तो अब जो है मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है दिखवा रहा हूँ कि भाई इसका कोई अपडेट है या नहीं, तो सर ये देख रहे हैं अबाउट 15-20 है, कौन सा इसमें जो है 15-20 आया हुआ है 22 सितंबर 2021 का। तो इसके अंदर भी जो अपडेट आ रखा है 15-24 का, ये 15-20 है तो 15-24 का जो है अपडेट आ रखा है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, कोई भी सर्विस पे आओ तो एक बार जो है खुद भी चेक करा लीजिए। कई बार होता है ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं, पर आप जो खुद भी बोल दिए तो ईजिली जो है ये अपडेट हो जाते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपडेट का ऑप्शन ये रहा, क्लिक कर दीजिए। एक बार ना टिगोर का भी देख लेना क्या आया हुआ है, जब मैं लाऊं तो टिगोर भी चेक करा दूंगा। 15-24 डालो, 15-25 डालो, 15-25 डालो, जो 15-25 आ गया ये तो नेक्सॉन का है शायद। नहीं, नहीं वो एक ही बात, एक ही बात। 15-24 डाल दूं, 15-25 जो 25 डालो, जब 25 आया हुआ तो नेक्सॉन इसका सेम है क्या, चलते हैं इसे सेम ही चलते हैं। ये अपडेट हो रहा है टिगोर का, टिगोर का, चलिए इसको अपडेट होने दो, फिर मैं बताता हूँ। BS4 का है 14-20 एग्जेट प्लस ही है वो, 14-20 ध्यान रखियो।
उसका मैं घर पे देख लूंगा फिर क्या है। जैसा ऐसा करो मैं निकल लूँ। हाँ उतर है, टाइम निकल टाइम लगेगा इसमें। पर डोर मत खोलने देना ये। अब तो आप डोर खोलोगे? नहीं मैं आपको इसलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा मैं अपना काम निपटाऊंगा ना। हाँ आप निपटाओ फिर जो है आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ भैया उसे खोलने मत देना बस। अंकुर बैठे रहिए अब गाड़ी के अंदर ही। तो ये अपडेट हो रहा है, चलिए इसको अपडेट होने देते फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई इसका जो है क्या आगे रिस्पॉन्स आता है। भाई पिछले 15 मिनट हो गए हम गर्मी में सड़ गए हैं, यहाँ पंखे तक तो चलते नहीं हैं। और एक ये है कि 1200 हो के दोबारा से 100 होता है। भाई पीछे बैठा हुआ है, निकल नहीं सकता क्योंकि मना करके गए हैं गेट नहीं खुलना चाहिए। गेट खुलते ही लिखा हुआ है, देख रहे हैं, डू नॉट टर्न ऑन द इग्निशन और स्विच ऑफ द सिस्टम, ये सब लिखा हुआ है। बाकी ये भाई सड़ गया बिल्कुल अंदर। भाई हो गया, ऐसा हो गया, हो गया अंकुर, सौ हो गया, हो गया, हो गया, चला क्या कुछ नया नहीं था इसमें। ओ चल गया भाई, चल गया यार, आ गया। अरे नहीं 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 तुम चुप हो जाओ भाई, ये अपडेट हो गया है इसका सिस्टम। भाई ये थोड़ा सा लैग हो रहा है, शायद वैसे ही हो रहा होगा। अब देखते हैं अंदर से इसकी सेटिंग्स में जाके कि जो है हो गया चेंज। जी सर हो गया, हो गया सर। हाँ जी 11 जनवरी 2022 का जो है आ गया, R1525 का जो है अपडेट है इसका, और जो है कुछ ये आया है। तो ये ओके, बाकी और सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। अब जो इसका सब बिलिंग विलिंग कराता हूँ, क्या होता क्या नहीं सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट में आपको बताता हूँ क्या रहती है इसकी। फाइनली जो है ऑल्टोज़ की सर्विस हो गई है मेरी, तो क्या क्या रहा, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा सब कुछ जो मैं आपको आपको बता देता हूँ, और कितने का जो है बिल बना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ कि भाई सर्विस मेरे को कैसी लगी। सर्विस ठीक थी, ओके ओके थी भाई, ऐसा कुछ मतलब बढ़िया भी नहीं लगी और जो है घटिया भी नहीं कह सकता कि नॉर्मल सर्विस थी। बस एक चीज़ की शिकायत थी वहाँ पे कि भाई एक बंदा जो मेरी गाड़ी के अंदर लग रहा है ना, तो 2 मिनट बाद वो गायब हो जाएगा, दूसरी गाड़ी में लगा हुआ मिलेगा। ये चीज़ को मेरी शिकायत थी, बाकी और चीज़ों में कुछ भी नहीं थी। जो जो मैं बोल रहा था वो सब काम कर रहे थे, ऐसा नहीं करा कि टरका दिया कि भाई नहीं सर ये है वो है। नहीं उन्होंने, मैंने जो बोला वो उन्होंने किया। आपने वीडियो में भी देखा कि मैंने जो जो चीज़ें उनको बोली कि स्पार्क प्लग साफ़ कर दो, ये कर दो, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं सर ये नहीं होते, मैंने कहा कर दो आप, तो वो मतलब कुछ नहीं बोला कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम कर देंगे। बाकी मैं अगर चार्ज की बात करूँ कितना चार्ज लगा है मेरा, तो ऐसा कुछ चार्ज लगा नहीं। सेकेंड सर्विस होती है तो फ्री होती है, तो 0 चार्ज लगा है गाड़ी के अंदर, तो कुछ ऐसा कोई हुआ नहीं। थर्ड सर्विस के अंदर जो है ऑयल चेंज होगा तो ऑयल चेंज के पैसे लगेंगे, तो अप्रॉक्स जो है 4,500 का जो है बन जाएगा। बाकी जो है मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो ऑल ओवर मैं एक बात बताऊं कि सर्विस जो है ठीक है, नॉर्मल है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपनी सर्विस में कि भाई मैन पावर बढ़ाओ। जब आपकी जो गाड़ी इतनी सेल्स में बिक रही है तो मैन पावर बढ़ानी चाहिए इनको, कि भाई एक बंदा जो है एक गाड़ी पे लगे ना, ये नहीं कि भाई आधा काम इसमें कर दिया आधा काम उस पर कर रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा सा गलत लगा मेरे को, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। बाकी और चीज़ में कोई दिक्कत नहीं, बाकी गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी करके दी है, ये सब आप देख सकते हैं। ये भी अपडेट हो गया इसका जो है 15.24 था ना, 25 हुआ है इसका, ये भी करा दिया। इसका भी 15.14 था इसका, और अब जो है 15.25 हो गया। बाकी और ये सब जो है इसका ECU भी अपडेट हो गया है, जो मतलब वैसा था नहीं, अपडेटेड ही था, पर फिर भी मैंने चेक करा दिया। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने किसी चीज़ के लिए मेरे को मना नहीं करा, सब चीज़ जो है कर दी एज इट इज़ का एज इट इज़। बाकी मैंने आपको पूरी डिटेल में दिखा दिया हर चीज़। यही था मेरा जो मोटोज वीडियो का कि मैं आपको जो अब ये चीज़ दिखा दूँ कि सेकेंड सर्विस के अंदर होता क्या है, क्या क्या है, और जो है सर्विस कैसी थी। बाकी एक चीज़ आपको और एड ऑन कर दूँ कि भाई जो लॉक वाली परेशानी थी मेरी गाड़ी के अंदर कि भाई वो रिक्वेस्ट सेंसर से जो अनलॉक नहीं होती थी गाड़ी, वो परेशानी अपना आप ही चली गई। ये वही बात हुई है कि डॉक्टर के पास मरीज गया और मरीज अपना आप ही ठीक हो गया। अब लॉक वाली जो है परेशानी आ नहीं रही है, मैंने 10 बार चेक करा, मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया
कि भाई इस तरीके से जो है मतलब लॉक परेशान कर रहा है इसका, गाड़ी अनलॉक नहीं होती है कई बार, चाहे इसकी वेरिएबल की पहन लो चाहे या फिर ये वाली की ले जाओ, गाड़ी जो अनलॉक नहीं होती है। तो ये भी जो है अपना आप ठीक हो गया, मतलब गाड़ी जो है सही है भाई, अपना आप ठीक हो गया, ज़्यादा बेटर है। इन फ्यूचर आती है तो मैं दिखा दूंगा, उन्होंने बोला भी इन फ्यूचर आती है तो आप मेरे हमको दिखा दीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और यहीं करता हूँ मैं इस वीडियो को एंड। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।